टीटाइम न्यूज में अगर बात करिए तो भाबरना तात्कालीन पीएसआई सामे खाताकीय कार्यवाही करवा माटे आदेश आपवामां आव्यो छे। आवश्यक तपास करवा माटे कहेवामां आव्यु छे। भाबरनी नामदार कोर्ट द्वारा आपवामां आव्या छे तपासना आदेश। कोर्टे एक फरियाद दाखल करवानो हतो, तेमना पर आक्षेप आवे छे। फरियादीए न्याय माटे खखड़ाव्या हता कोर्टना द्वार। पीएसआई पीएल आहिर सामे तपासना आदेशथी समग्र पंथकमां पण खळभळाट मची गई छे। गई तारीख 21-8-2023 रोज भापरना नामदार कोर्ट एसपी दवे साहेब द्वारा एक फरियादी ने बाबते एक हुकम करवामां आवेलो छे, जेनी अंदर फरियादी रतनसिंहभाई रायमलभाई चौधरीना होय तारीख 10-9-2020 रोज भापर पोलीस स्टेशननी अंदर एक लिखित फरियाद आपेली, जेना अनुसंधाने ते वखतना तत्कालीन पीएसआई पीएल आहिरना द्वारा कोई एफआईआर नोंधाई अने कोई पण कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवेल नहीं, अने उल्टा चोर पोलीस कोटवालको डाटे एवी नीति अपनावी अने आ फरियादीने दबावा माटे तारीख 12-9-2020 रोज आ फरियादी विरुद्ध खोटी एफआईआर ऊभी करी अने आखा एमना परिवार ऊपर एक एफआईआर करवामां आवेली। त्यारबाद आ फरियादीए न्याय मेळवा माटे भाबर नामदार कोर्टनी अंदर फरियाद दाखल करेली, जे फरियाद चाली જતા ગઈ તારીખ 21-8-2023 રોજ ભાભરના નામદાર જજ સાહેબ એસપી દવેના હોય એક હુકમ કરેલો છે, જે હુકમની અંદર જે તે વખતના આજ ફરિયાદીની ફરિયાદ નોંધવાનો હુકમ કરવામાં આવેલો છે, તથા તે વખતના તત્કાલીન પીએસઆઈ શ્રી પીએલ આહિર ઉપર બનાસકાંઠાના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પોલીસને આદેશ કરવામાં આવેલો છે કે એમના પર ખાતાકીય કાર્યવાહી તથા કાયદાનુસાર કાર્યવાહી કરી અને એમને દિન 60 ની અંદર રિપોર્ટ કરવાનો કહેલો છે।